क्या हुआ जब केदारनाथ जाने वाली बस गिरी खाई में? फिर हुआ महादेव का ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आप भी महादेव पर विश्वास करने लग जाएंगे। दोस्तों, देवों के देव महादेव की चमत्कार पूरी दुनिया के लिए भक्ति का विषय बन जाएंगे। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हों तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। दोस्तों, ये घटना गुजरात में रहने वाले उदय जी के साथ में घटित हुई थी। उदय एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति था, परंतु उदय की आस्था भगवान भोलेनाथ के प्रति बहुत गहरी थी। उदय अपनी कंपनी जाने से पहले नहा धोकर के फ्री हो जाता और भगवान भोलेनाथ का नियम के अनुसार नित्य प्रतिदिन माला जाप किया करता था। माला जाप करने के बाद में उदय अपनी कंपनी चला जाता था। एक दिन उदय के मन में श्रद्धा हुई कि केदारनाथ के दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। ये विचार करके वो अपने गाँव आ जाता है और अपने परिवार वालों को इस विषय में बताता है। ये खबर सुनकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उदय ने अपने परिवार वालों के लिए एक छोटी मिनी बस कर ली। सभी लोग बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठे सभी लोग भगवान का जय जयकार करने लगते हैं और भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। ये सफ़र उदय के परिवार के 2 दिन का होने वाला था। सभी बड़े खुशी खुशी भगवान का गुणगान कर रहे थे। रात्रि का समय आने वाला था। सभी ने एक ढाबे पर खाना खाया। साथ ही साथ उस ढाबे वाले ने कहा, यहाँ से आगे का रास्ता बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ के लोग रात्रि में गाड़ियों की लूटपाट कर लेते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग बस में बैठ गए और अपनी खिड़की और शीशे बंद कर लेते हैं। बस ने अपना सफर शुरू कर दिया। रात्रि के करीब 2 बजे थे, तभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी खाई में चली जाती है, परंतु बस फुटपाथ से टकरा कर रुक जाती है। सभी को अचानक से धक्का लगा। सभी जाग जाते हैं और नीचे उतर के देखने लगे तो सभी के होश उड़ गए। इधर उदय और उसके परिवार वालों के दिमाग में उस ढाबे वाले की बात याद आ जाती है। उसकी बातों को याद करने के बाद वो सभी लोग फिर से बस में चढ़ जाते हैं और अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और अपनी अपनी सीटों पर जा कर के बैठ जाते हैं। सभी बैठे बैठे भगवान से गुहार लगा रहे थे। उदय भी भगवान से मनी मन में प्रार्थना कर रहा था। तभी उस सुनसान जंगल में एक साधु दिखाई देता है और साधु सीधा बस की तरफ आ रहा था। उस साधु को देखकर के बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। ना जाने यही वो गुंडे होंगे जो हमारी बस को लूटना चाहेंगे। परंतु साधु बस के पास आकर उदय से कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हारी इस बस में? उदय ने कहा, बस पंचर हो गई है। साधु कहने लगा, मैं अभी एक मैकेनिकल को बुला करके लेके आता हूँ, तुम घबराना मत। ये कहकर साधु चला जाता है। बस में बैठे लोगों की आंखें लग जाती हैं और जैसे ही कुछ देर बाद सभी की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि बस सीधी रोड पर खड़ी हुई है और पंचर भी सही हो गया है। ये देख करके उदय ने उस ड्राइवर को जगाया और पूछा, तुमने बस को कैसे और कब सीधा कर दिया और इसको पंचर कब लगवा दिया? ड्राइवर इस कारनामे को देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है। ड्राइवर उदय से कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तो आंखें लग गई थी, तुमने आकर के मुझे जगाया है। ये देख करके सभी समझ गए वो कोई साधारण साधु नहीं था, वो तो कालों के काल महाकाल थे। सभी ने भोलेनाथ का जयकारा लगाया और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। दोस्तों, आपको हमारी ये घटना अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।